गुड मॉर्निंग क्लास। हम आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड के बारे में बता रहे थे, तो बहुत सारे डायोड के टाइप्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग लेजर डायोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेजर डायोड का एब्रिविएशन ही होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइट जो LED हमारा देता था लाइट, इसको क्या किए हैं, स्टिमुलेट करके एक ही डायरेक्शन में हम लोग क्या किए, मतलब बहुत हार्डली डीपली उसको एक ही डायरेक्शन में फोर्सली हम लोग किए कि भैया तुमको इसी डायरेक्शन में है, एक ही पॉइंट पे तुमको दिखाना है। तो इसी के यूज के लिए हम लोग लेजर डायोड यूज करते हैं। बच्चे लोग यूज करते हैं खिलौने उलौने में जो डायरेक्टेड लाइट देता है। ठीक है, तो अगर इसका सर्किट का बात करें तो इसका सर्किट ऐसे होता है, बैटरी रहता है, ड्राइवर सर्किट रहता है, लेजर डायोड रहता है और लेंसेस रहते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका सर्किट हुआ। अगर लेजर डायोड के बारे में लिखिएगा तो लेजर डायोड लिखिए, लेजर डायोड इज सेमीकंडक्टर विच यूजेस पीएन जंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग कोहरेंट रेडिएशन विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज which is either in विजुअल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। मतलब हमारा इंफ्रारेड हो या हमारा विजुअल रेड हो, तो दोनों में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेजर इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस दैट जनरेट कोहरेंट लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा डायोड जो है, लेजर डायोड जो है, लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन, जिसका मतलब हम इसका अगर प्रिंसिपल का बात करें तो स्टिमुलेटेड एमिशन पे काम करता है। ठीक है, ओके। अगर और भी इसके स्टिमुलेटेड प्रिंसिपल के बारे में बात करें क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टिमुलेटेड प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारा सारे लाइट को एक ही डायरेक्शन में स्टिमुलेट करके एमिट करना। पहले तो सिंगल लाइट कोहेरेंट लाइट उसको बनाते हैं। तो अगर इसके टाइप्स का बात कर लें तो हमारे लेजर जो होते हैं जनरली चार टाइप्स में पाए जाते हैं, डबल हेटरोस्ट्रक्चर लेजर, क्वांटम वेल लेजर, सेपरेट कन्फाइनमेंट हेटरोस्ट्रक्चर, ठीक है, वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर। ये चार टाइप के हमारे हैं टाइप के लेजर होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उतना डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें कि लेजर डायोड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो लेजर डायोड जो होते हैं हमारा जो है मोनोक्रोमेटिक होना जरूरी है। इसके अलावा उसके जो मतलब लाइट है वो वेल डायरेक्टेड एक ही डायरेक्टेड में होना चाहिए और साथ साथ कोहरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का बात करें तो वही डायोड की तरह ही काम करेगा। एक पॉइंट देखिए, एक तरफ पावर दिखा रहे हैं और एक तरफ करेंट दिखा रहे हैं, तो एक वही डायोड की तरह ही जब फॉरवर्ड बायसिंग देंगे पीएन डायोड में तो हमारा कुछ समय के बाद फिर ये काम करने लगेगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इससे पहले वाले को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन और इसके बाद वाला को बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसी का यूज लेजर डायोड करता है। ठीक है, ये हमारा डायोड के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स हो गया। इसके अलावा अगर हम लेजर डायोड का और भी कुछ पॉइंट्स बात करें कि इसका कहाँ एडवांटेज है, कहाँ मतलब इसका कुछ एप्लीकेशन कहाँ है, तो लेजर डायोड का एप्लीकेशन है हम लोग जो है, आप लोग देखे होगी लेजर डायोड का हम लोग यूज लेजर प्रिंटर हुआ या CD/DVD में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें तो मेडिकल साइंस जो है वो लेजर डायोड का बहुत ज़्यादा यूज करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो लेजर डायोड का यूज हम लोग टेलीकॉम में भी करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा
साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत सारे जो लेजर डायोड पे वर्क करते हैं, क्योंकि लेजर डायोड जो है ये लाइट एक ही जगह लाइट का कंसंट्रेशन देता है विथ हाई इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन के साथ। तो इसी के लिए इसका यूज बहुत जगह करते हैं, ठीक है। फिर अगर इसका एडवांटेज का बात करें तो ये जो है इजीली हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत ही स्मॉल फॉर्म में हमारे नेचर में मिलता है। और अगर इसका बात करें तो ये हमारे विजुअल और इंफ्रारेड दोनों में काम करता है, और इस डायोड का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स था लेजर डायोड के बारे में, लाइट एम्पलीफिकेशन और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो लेजर के बारे में कुछ पॉइंट था, ठीक है क्लास।